हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि क्या इन बिंदुओं से जो है किसी प्रकार का चतुर्भुज बनता है। अगर चतुर्भुज बनता है तो हमें उसका प्रकार बताना है तथा कारण भी बताना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूंगी। मैंने मान लिया ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मान लीजिए ए बी सी और डी दिए गए बिंदु हैं। अब देखिए, चतुर्भुज क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, जिसमें दो विकर्ण होते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चतुर्भुज की जो है चारों भुजाएं निकालेंगे, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए। फिर विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। तो देखिए, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ए और बी लिख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये बिंदु ए के निर्देशांक हैं, ये एक्स वन है, ठीक है, और ये है वाई वन। ये बिंदु बी के निर्देशांक में ये एक्स टू है और ये है वाई टू। ठीक है, अब इस दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम ए बी निकालेंगे। तो देखिये, ये वर्गमूल अब क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर है। एक्स टू क्या है? 7 माइनस एक्स वन क्या है? 4। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर प्लस वाई टू क्या है? 6 माइनस वाई वन क्या है? 5। और इस सारे का स्क्वायर, ये वर्गमूल हमने ऐसे लिखा। देखिए, 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आया? 3 का स्क्वायर। फिर प्लस 6 में से 5 माइनस करा, 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? देखिए, 3 का स्क्वायर निकालूंगे तो 3 को दो बार गुणा करा, 3 थी 9 आ गया। फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणा 1 क्या आएगा? 1। तो 9 प्लस 1 क्या आ गया? अंडर रूट 10। तो देखिए, ए बी आ गया वर्गमूल 10। अब हम बी सी निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बी और सी हमने लिख लिए हैं। यहाँ पे ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है। ठीक है, अब दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम बी सी निकालेंगे। तो देखिए, वर्गमूल ऐसे ही लिखा, एक्स टू क्या है? 4 माइनस एक्स वन क्या है? 7। और इस सारे का स्क्वेयर। ठीक है, फिर प्लस वाई टू क्या है? 3 माइनस वाई वन क्या है? 6। तो 3 माइनस 6 और इस सारे का स्क्वायर। अब देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस कर देंगे। 7 में से 4 माइनस करा, 3, 7 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन और ये स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ भी देखिए माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करा, 3 आया, 6 के साथ माइनस का साइन है, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब देखिए, माइनस 3 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा? माइनस को दो बार गुणा करा, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 को दो बार गुणा करेंगे तो 3 थी 9। फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अभी हमने निकाला कितना आ रहा है? 9। तो 9 प्लस 9 कितना आ गया? 18। अब देखिए, वर्ग में मैंने ऐसे ही लिखा, 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 9 गुणा 2 ऐसे लिख सकती हूँ ना, 9 दूनी 18। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। ठीक है, 3 3 9 होता है ना, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3 और ये वर्गमूल 2 ऐसे ही रहा। तो BC हमारे पास क्या आ गया? 3 अंडर रूट 2। अब हम अगली भुजा यानी CD निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिंदु C और D लिख लिए हैं। ये X1 है, ये है Y1, फिर ये X2 है और ये Y2। ठीक है, अब इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिए, X2 क्या है यहाँ पर? 1 माइनस X1 क्या है यहाँ पे? 4। और इस सारे का क्या है? स्क्वायर। फिर प्लस वाई टू क्या है? 2 माइनस वाई वन क्या है? 3। और इस सारे का स्क्वायर, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस कर देंगे, 4 में से 1 माइनस करा, 3 आया, 4 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, सारे का स्क्वायर। फिर प्लस माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस करा, 1 आया, 3 के साथ माइनस का साइन है, तो 1 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर। अब माइनस 3 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए, माइनस को दो बार गुणा करूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को दो बार गुणा करा, 3 थी 9। फिर प्लस का साइन, माइनस 1 का स्क्वायर निकालना है, माइनस को दो बार गुणा करूंगी, माइनस माइनस प्लस, और 1 को दो बार गुणा करा तो 1 ही आएगा। तो 9 प्लस 1 क्या आ गया? अंडर रूट 10। तो सीडी हमारे पास क्या आया? अंडर रूट 10। अब हम डी ए निकालेंगे। तो देखिए, बिंदु डी और बिंदु ए मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये बिंदु डी के निर्देशांक है, इनमें ये एक्स वन होता है और ये है वाई वन, इसमें ये एक्स टू है और ये है वाई टू। ठीक है, अब दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिए, एक्स टू क्या है? 4 माइनस एक्स वन क्या है? 1। और सारे का स्क्वायर।
प्लस वाई टू क्या है 5, माइनस वाई वन क्या है 2, और इस सारे का स्क्वेयर। 4 में से 1 माइनस करा 3 का स्क्वेयर, फिर प्लस 5 में से 2 माइनस करा 3 आया 3 का स्क्वेयर। तो देखिए अब 3 का स्क्वेयर निकालना है तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 9, फिर प्लस 3 का स्क्वेयर क्या आएगा 3 3 9, 9 प्लस 9 कितना आ गया 18। अब वर्गमूल मैंने ऐसे ही लिखा, 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 9 गुणा 2 इस तरह से लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 9 दूनी क्या होता है 18। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, ठीक है, और ये वर्गमूल 2 हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है। तो DA क्या आ गया 3√2। तो अब देखिए चारों भुजाएं हम निकाल चुके हैं, अब विकर्ण निकालने हैं। विकर्ण कौन से हैं, AC और BD। तो देखिए बिंदु A और बिंदु C मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये X1 है और ये है Y1, ये बिंदु C के निर्देशांक हैं, ये X2 है और ये है Y2, ठीक है। अब इस दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम AC निकाल रहे हैं। X2 क्या है 4, माइनस X1 क्या है 4, 4 माइनस 4 सारे का होल स्क्वायर, फिर प्लस Y2 क्या है 3, माइनस Y1 क्या है 5, और ये सारे का स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 4 माइनस करूंगी क्या आया 0, 0 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 0 ही आएगा। फिर देखिए प्लस, अभी देखिए ये प्लस है और ये माइनस में है, तो माइनस कर देंगे, 5 में से 3 माइनस करा 2 आया, 5 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन आए, तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो -2 का स्क्वेयर। तो देखिए 0 प्लस, अब -2 का स्क्वेयर निकालना है, तो देखिए माइनस को 2 बार गुणा करूंगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 2 बार गुणा करा 2 दूनी 4, तो 0 प्लस 4 क्या आ गया √4, ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो AC क्या आया 2। अब देखिए अगला विकर्ण BD निकालेंगे। तो बिंदु B और बिंदु D मैंने लिख लिया है, बिंदु B के निर्देशांक है, इनमें ये X1 है और ये है Y1, बिंदु D के निर्देशांक में ये X2 होता है और ये है Y2, ठीक है। अब इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे और BD निकालेंगे। देखिए X2 क्या है यहाँ पर 1, माइनस X1 क्या है यहाँ पर 7, और इस सारे का क्या है स्क्वेयर, फिर प्लस Y2 क्या है हमारे पास 2, माइनस Y1 क्या है हमारे पास 6, और इस सारे का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करा 6, इन दोनों में 7 बड़ा है, 7 के साथ माइनस का साइन, तो 6 के साथ भी माइनस का साइन, और ये स्क्वायर। फिर प्लस ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस कर देंगे, 6 में से 2 माइनस करा 4 आया, 6 के साथ माइनस का साइन है, तो 4 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, -4 का स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए -6 का स्क्वेयर निकालना है, तो माइनस को 2 बार गुणा करा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 6 36, फिर प्लस -4 का स्क्वेयर निकालना है, तो माइनस को 2 बार गुणा करूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 2 बार गुणा करा, तो 4 6 16 आ गया, 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा √52। अब देखिए 52 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 गुणा 13 ऐसे लिख सकती हूँ ना, 13 चौके 52 होता है, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ठीक है, और वर्गमूल 13 ऐसे लिखेंगे क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है। तो अब BD क्या आ गया 2√13। तो देखिए हमने चारों भुजाएं निकाल ली है और दोनों विकर्ण भी निकाल लिए हैं। अब ध्यान से देखिए AB क्या आ रहा है √10 और CD भी क्या आया √10, यानी AB जो है बराबर आ रहा है CD। तो मैंने यहाँ रफ में लिख लिया कि AB बराबर है CD के, ठीक है। फिर देखिए BC क्या आ रही है 3√2 और DAB क्या आ रहा है 3√2, तो यानी BC जो है बराबर है DA के। अब देखिए जो विकर्ण AC है वो आ रहा है 2 और जो विकर्ण BD है वो क्या आया 2√13, तो यानी यहाँ पर AC और BD ये दोनों इक्वल नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं आ रहे। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि AC बराबर नहीं है BD की, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं, पर विकर्ण बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये बिंदु A है, ये B है, C है, D है। तो हमने देखा अभी AB बराबर आ रहा है CD के, AB बराबर है CD के, ठीक है। ये भुजा सामने वाली भुजा के बराबर है, ठीक है, और BC बराबर है DA के, ठीक है। तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं
समान और समांतर है, ठीक है। और विकर्ण जो है बराबर नहीं है, ईसी और बीडी, ये विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा विकर्ण है, तो यानी समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ये जो ABCD एक चतुर्भुज है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ AB बराबर है CD के, BC बराबर है DA के, और AC बराबर नहीं है BD के, तो इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।